मेहरबान, साहिबान, कदरदान और तुच्छ इंसान। पधार रही है श्रीमती सावी नित्यम दालमिया। तू ना मेरा यकीन नहीं मानेगी, जेठ जी ना खुद ये सब लेके आए। प्यारी सी मीठी सी जबान से मुझे वो मीठी मीठी खुशखबरी दे दे। ला अब दे दे। क्या? वो तलाक के कागज। 6 महीने बाद सावी और नित्यम दालमिया के बीच में कानूनी तौर पे तलाक हो जाएगा और फिर 6,000 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में। रघुवंशी फैक्ट्री का ब्लास्ट साजिश थी, एमपी दालमिया की साजिश। आप कौन बोल रहे हो? एमपी दालमिया का मकसद नित्यम दालमिया की बर्बादी। हेलो मेशी, मुझे पता है अभी अभी आपने ही मुझे फोन किया। दरअसल देखिए मेशी, अब मैं उस घर का हिस्सा नहीं हूँ मेशी, इसलिए अगर अब आपको लग रहा है कि आपका झूठ आपको कचोट रहा है और मैं आपकी मदद कर दूँ, आई एम सॉरी। सावी, तू अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के वापस अपने घर आई हो तो वो घर के लोगों को तुझे भुलाना चाहिए, अपनी नई जिंदगी जीने के लिए नया रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो माँ मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू कर। किसी ना किसी को तो फंसाना था ही ना सावी, जैसे कि तुम तो मुझे शुरू से ही कुछ खास पसंद हो नहीं, मेरी आंख की असली किरकिरी तो तुम हो। एमपी दालमिया का मकसद बर्बादी है, नित्यम दालमिया की बर्बादी।